अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर कुकिंग वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू मेक ब्लैक ग्राम्स, काले चने वाले, शोरबे वाले चने। तो इसको बनाने के लिए आपको चाहिए ओवरनाइट सोक ब्लैक ग्राम्स 1/2 kg। उसी पानी में आपने उसको कुकर के अंदर डाल देना है। उसके बाद हमने उसमें 2 बड़े प्याज डालने हैं, 1 टमाटर और 3-4 हरी मिर्चों की आपने पेस्ट बना लेनी है, वो डालना है आपने इसमें। और फिर उसके अंदर आपने 4 से 5 गार्लिक क्लोव्स, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और हल्दी 1 टीस्पून। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर आपने इसको बंद करके सीटी लगवा देनी है 15 मिनट्स के लिए, क्योंकि हमने ओवरनाइट भिगोए हैं तो 15 मिनट्स में गल जाएंगे। उसके बाद आपने केयरफुली कुकर खोलना है और चेक करना है चने ठीक तरह से गल गए हैं। फिर आपने एक बड़े पैन में उसको कन्वर्ट कर लेना चनों को और अच्छी तरह पकाना जब तक पानी सूख जाए। और जैसे ही पानी सूखेगा आपने इसमें घी या ऑयल डाल देना है 1/2 कप। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होता है और घी भी थोड़ा ज़्यादा डलता है। और फिर उसको आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है कि ऑयल निकल आए। इसमें आपको 3 to 4 मिनट्स लगेंगे। उसके बाद आपने उसमें 3 ग्लास वाटर ऐड कर लेना उसका सूप बनाने के लिए और फिर उसको अच्छी तरह से पकने देना है जब तक आपको डिज़ायर्ड थिकनेस नहीं मिल जाती सूप की। फ्रेश कोरिएंडर डाल देंगे फिर हम इसमें, ये आपकी मर्जी है, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना तो डाल लें, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ना डालिए। इसके बाद इसको मिक्स करें और इतना पका लें जितना आपको डिज़ायर्ड आपकी थिकनेस है सूप की। आप थिन रखना चाहते हैं आप थिन रख लें, आप थोड़ा थिक रखना चाहते हैं आप इसको ज़्यादा पका लें थिक हो जाएगा। लीजिए, इस टाइम पे आप इसका सॉल्ट चेक कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये रेडी है, अब आप इसको चपाती और बॉयल्ड राइस के साथ सर्व करें। थैंक यू।